अब मैं इसका नेम का कलर चेंज करता जाता हूँ ताकि मेरी स्लाइड थोड़ी सी डिफरेंट लगे। इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, इसको मैं कर देता हूँ जी येलो, और इसको मैं कर देता हूँ पिंक। क्या कर देता हूँ? पिंक। ठीक है, अब ये चीज़ें मेरे पास जो है वो आ गई। आप लोगों को पिंक नहीं कुछ और नज़र आ रहा है, पर्पल नज़र आ रहा है। अब मैंने इसमें देनी है एनिमेशन। क्या देना है? एक चीज़ और कर लेते हैं एनिमेशन से पहले। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, डुप्लीकेट बनाऊँगा इसका। क्या बनाऊँगा? डुप्लीकेट बनाने के बाद यहाँ से जाऊँगा ग्रेडिएंट फिल में, ग्रेडिएंट फिल में कलर में लूँगा, यहाँ से ये चीज़ मैं डिलीट कर दूँगा, सिर्फ दो कलर्स में रखूँगा, एक वाइट, और यहाँ से जो लीनियर है वो मैं ये सिलेक्ट करूँगा। इसका कलर मैं कर दूंगा जी रेड यहाँ से, ठीक है, और इसका मैं वाइट कर दूंगा, और इनकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो मैं ले आऊँगा तकरीबन 60 बल्कि 70 तक। इसको मैं यहाँ सेट कर दूंगा, ठीक है, बिल्कुल इसके ऊपर। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, कंट्रोल डी प्रेस किया मैंने। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद मैं इसको अभी ग्रेडिएंट फिल कर दूंगा। अब मेरे पास यहाँ पे बना हुआ चीज़ें, सिर्फ मैं कलर चेंज करूँगा इसका, और मेरे पास चीज़ पूरी तैयार है। ठीक है, इसको भी मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ इसके ऊपर, और सेट करने के बाद ग्रेडिएंट फिल, और यहाँ से कलर चेंज कर दूंगा। ठीक है, इस पर भी मैं क्लिक करता हूँ, देखें कंट्रोल डी, और इसको उठाकर मैं सेट कर दूंगा, पहले यहाँ से ग्रेडिएंट फिल कर दूंगा, और यहाँ से इसका कलर मैं कर दूंगा पिंक। ये थोड़ा सा सेट नहीं है तो इसको उठाकर आप बराबर कर सकते हैं। ठीक है जी, ये करने के बाद मैं थोड़ी सी साइज़ छोटी कर देता हूँ इसकी। अब मैं इनको बना देता हूँ ग्रुप। क्या बनाऊँगा? ग्रुप बना दूँगा, कंट्रोल जी, ये एक बन गया, कंट्रोल जी, और ये कंट्रोल जी। ठीक है, अब हम इनकी जो है वो एनिमेशन सेट करेंगे। क्या करेंगे? एनिमेशन सेट करेंगे। ये आएगा जी जूम। ठीक है, अब एनिमेशन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम जाएंगे मोर इंट्रेंस इफेक्ट्स में, और बेसिक जूम, क्या बेसिक जूम आएगा। ठीक है, और यहाँ से जो ये है इस पर मैं एनिमेशन दूंगा जूम, लेकिन जूम इसको कर दूंगा सेंटर, सॉरी, बल्कि मैं दोबारा इंट्रेंस में चला जाता हूँ, और इसको मैं दे देता हूँ ये जूम, ये सेंटर में आएगा। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ यहाँ से
सॉरी, इसको भी मैंने जूम दे दिया, लेकिन यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एनिमेशन पेन में चला जाऊँगा और यहाँ से इसको मैं कर दूँगा जूम आउट। क्यों नहीं आ रहा, काफ़ी सारे फंक्शन नहीं है इसमें। इस तरीके से ही आपकी स्लाइड्स आएंगी, ठीक है। और अब यहाँ पे आप इसको जो है वो एनिमेशन देंगे, सिंपल फ्लाई इन, बल्कि फ्लोट इन आ गया। चलें इनको फ्लाई इन कर देते हैं, ठीक है जी। ये एनिमेशन्स की सेटिंग करनी है आप लोगों ने, कि अगली वाली जो भी एनिमेशन है वो सब आफ्टर प्रीवियस पे रखनी है और उसके जो है वो टाइमिंग सेट करनी है, ठीक है। अब हमने एनिमेशन कॉपी करनी है, एनिमेशन पेंटर यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, एनिमेशन पेंटर यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया एनिमेशन पेंटर। अगर आपने अलग अलग रखनी है तो वो भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऐसा ना हो आप कहें सर कह रहे हैं बस एक ही एनिमेशन रखो, अगर आप एनिमेशन चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, अच्छा इसका कलर हम जो है वो बैकग्राउंड का कलर हम चेंज कर देते हैं, देखें। एनिमेशन पेन में ख़त्म कर दूंगा, फॉर्मेट बैकग्राउंड, और इसको हम सॉलिड कलर में ब्लैक रख देते हैं,
ठीक है जी।